हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज से। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये आया है हमारा रुकमा महिला महाविद्यालय से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आया रुकमा महिला महाविद्यालय नवे गांव बांध से, ठीक है। तो ये जो लाइक कॉलेज है ये सिचुएटेड है आपका गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट गोंडिया में। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो है ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज जो है वो निकाली है। तो अगर बात की सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपको अप्लाइड फिजिक्स, होम साइंस, लाइफ साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट है होम साइंस में, लाइफ साइंस में 2 पोस्ट हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री में भी 2 पोस्ट हैं। और जो यहाँ पर नेचर पोस्ट है वो आपका फुल टाइम पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं फुल टाइम वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे कैटेगरीज में भी आपको देख सकते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे ओपन में आपकी 1 कैटेगरी है, लाइक 1 वैकेंसी है अप्लाइड फिजिक्स में, और ओपन में 2 यानी कि 2 है आपकी होम साइंस में, जिसमें से और इसमें SSC में 1 है, OBC में 1 है और EWS कैटेगरी में 1 पोस्ट है। इसके लाइफ साइंस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन में 1 पोस्ट है और आपकी SC में भी यहाँ पे 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर ओपन में आपकी 1 पोस्ट है और आपकी SC में भी यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी कि किस वैकेंसी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट भी हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे स्केल जो है आपको एज पर UGC एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ए और बी दोनों मेंशन कर रखी है, हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी ए की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ए में जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा कि एलिजिबिलिटी इसकी जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी जैसा मैंने आपके साथ बताया आपको। तो यहाँ पे पहला कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्लियर, आपका मास्टर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए विथ 55% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे जो है आपके पास UGC या CSIR नेट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका CSIR या आपका यहाँ पे जो है UGC नेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा जो है अगर आपने 2009 से पहले रजिस्टर किया है, 11 जुलाई 2009 से पहले, ठीक, अगर आपने PhD में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप फुलफिल करे होने चाहिए अपने PhD थीसिस में, ठीक है। यानी कि आपका जो PhD है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स ने इवेल्यूएट किया होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक ओपन PhD वाइवा वॉइस हुआ होना चाहिए और आपके यहाँ पे 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए फ्रॉम योर PhD वर्क, यानी कि PhD वर्क से आपके यहाँ पे 2 जो है पेपर भी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है 1 जो पेपर होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 रिफर जर्नल में होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, यानी कि आप को एटलीस्ट यहाँ पे अपने काम को अपने 2 कॉन्फ्रेंसेज, चाहे वो आपका नेशनल हो इंटरनेशनल हो या 2 सेमिनार्स या वो से 2 स्पॉन्सर्ड या फंडेड प्रोजेक्ट लाइक सपोर्टेड बाई द UGC ICSR एंड CSIR और एनी इमरजेंसी। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 जो है लाइक ओरल प्रेजेंटेशन और या तो आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है आपको दिया होना चाहिए कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है कॉन्फ्रेंस में आपको 2 ओरल या पोस्टर जो है वो आपने प्रेजेंट किया होना चाहिए अपने थीसिस वर्क से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी 2 की हम अगर बात करें तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी में आपका रहेगा कि आपका PhD डिग्री अगर आपने जो है बाहर से ऑब्टेन किया है किसी लाइक फॉरेन से, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 रैंकिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो रैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे QS रैंकिंग वैलिड रहेगा, दूसरा आपका द रैंकिंग रहेगा, थर्ड आपका ARWU रैंकिंग ये रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका